मालूम हुआ हमारा सिमुलतला मॉडल है, मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का, तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे संशोधन सुधारों को विकसित करेंगे और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ष संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसी के लिए यह आप लोगों को हमने बस दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। कोई नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप है न्यूज फाउंडेशन पर खबर बिहार से, जहां पर एक एक करके तमाम जो मंत्री कैबिनेट विस्तार के बाद जिन्होंने शपथ ली है वो अपने अपने विभागों का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इस मौके पर जो है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जब शिक्षा विभाग पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर के बड़े ऐलान किए हैं। कहा है कि बिहार के साथ साथ देश के जो नामी मॉडल्स हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में स्कूल मॉडल हो या फिर बिहार के समतल्ला समेत जो महत्वपूर्ण इस तरह के मॉडल्स हैं, उनको बिहार में हर जिले में पहुंचाया जाएगा और बिहार के हर स्कूल को जो है उसी स्तर पर जो है उसका विकास किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, सुनवाते हैं आपको। वर्ग संचालित करने के जो भी ज्ञान आपके पास भी हो, नए और आपके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत में लगे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, वर्ग संचालित करें। सरकार मजबूर होकर के कोई कार्रवाई करती है उसकी स्थिति न पैदा हो। मैं चूंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं तो मैं इस तकलीफ को देख रहा हूं। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं संचालित हो रही, अद्भुत। हम लोग जहां पढ़े हैं वहां कुछ कुछ दिखाया जाता था, प्लस माने टेंथ में भी एलेवेंथ में भी ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, रेंज कैसे करते हैं, कुछ कुछ सिखाया जाता था। लेकिन अब तो लगता है पूरा माने हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि कोट टाई पेंट भर रहा है, हाफ हाफ ये गोलगंजी वाले लोग पढ़ा के गए और कोट टाइप पेंट वाले हम लोग शिक्षा को जरा कमजोर दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये एक मास अवेयरनेस का भी सवाल है, बल्कि मैं माता पिता से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार प्रदेश के पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए जैसे पहले लोग एक दबाव बनाता था बच्चों पर, वो भी दबाव बननी चाहिए और इसी के लिए हमारा विभाग काम करेगा। हम लोग संकल्पित हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और मैं पहले तो अनुरोध विरोध आपके माध्यम से करता हूँ, फिर शिक्षक संगठनों से, विश्वविद्यालय के लोगों से, फिर उस लेवल पर अलग अलग या समीक्षा करके देख लेंगे, प्रधानाचार्यों को बुलाएंगे और एक बार जरूर ये अपील आपके माध्यम से जाएगी। अगर हम आज भी लोग आए थे शिक्षक संगठन के कुछ लोग, हमने उन लोगों से कहा कि साहब आप क्लास लगवा दो, क्योंकि आप ही के भरोसे ये विभाग है। लगभग 50,000 करोड़ का कितना बजट, लगभग 50,000 करोड़ का बजट है, इतना इतना सरकार का पैसा जाया होता है और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। तो ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है, सरकार की जो चिंता है इसको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, और इसके लिए हम लोगों को जहाँ से भी अनुभव शेयर करना पड़ेगा। मालूम हुआ हमारा सिमुलतला मॉडल है, मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का, तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ष संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसी के लिए यह आप लोगों को हमने कस दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। कोई सवाल मॉडल पर काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ, देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए कुछ न कुछ तो है, तो अगर वह है, एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी है। जिनको संप्रदायवाद पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमको सोशल जस्टिस पढ़ानी है। जिनको गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट पढ़ना है वो पढ़े पढ़ावे, हमको अम्बेडकर को पढ़ाना है। ये इसलिए कि हम नफरत के माहौल से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। क्या बोले, समान काम समान वेतन को लेकर मेरी बात सुनिए, हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोले, मैं आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम एक महीना मेरा वर्ग संचालित कर दो,
ऐसा ऐसा रोना नहीं, 10 लाइसेंस के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया है, हमने कहा कि भैया आप बर्थ संचालित करा दो, प्रायोगिक परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे तो, स्कूल में जाकर अगर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और समान लोगों में क्या फर्क है। एक आदमी बोलो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मॉडल चल रहा है ये चिंताजनक है, ये चिंताजनक है, और इस स्थिति में हमारा एजुकेशन नीचे नहीं हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना है चाहे जहाँ से मॉडल लाना पड़े। सर सेशन रेट जो चल रहा है, सर अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की यही हाल है, 3 साल का बीए बच्चे 6 साल 5 साल में पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे आप लोग समाप्त कीजिएगा? तो ये विषय है ना, आपका मतलब है कि ये सेशन संचालन का ना, सेशन संचालन का मामला है, उसको हम विभाग ने उस पर काम भी किया है, परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, आप सबको मालूम है, ये है कि लगातार परीक्षाएं हो रही है, तो इसके लिए भी एक शिकायत आ रही है, आज भी हमारे यूनिवर्सिटी से एक शिकायत आया था कि हम लोग तो लगातार परीक्षा को ही आयोजित करने में लगे हुए हैं। एक जब यह रोग जमा हो गया तो उस रोग को दूर करने में समय तो लग सकता है। एक बोलिए ना सर, सीटेट बीटेट लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर है सर, उनके लिए क्या रणनीति है सर? अभी भी स्ट्राइक पे हैं लोग सर, बोला गया जुलाई के लास्ट में विज्ञापन आएगा। मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको सभी को पता है, स्वाधीनता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन देखा है, खाली पद नहीं रहेंगे, समय तो लग सकता है ना, और जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी को अविलंब पूरा करने का स्वाधीनता दिवस पर आश्वासन दिया है, और आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उसको करते हैं। ये बात आपने जो सवाल किया, हमको आपका आप काम पर लगाए, हम विभाग के अभी मंत्री बन गया है, हम ही गड़बड़ करने लगेंगे तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? इसलिए आप प्रेस जगत के लोग हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, आप ही गलत करेंगे तो कौन देखेगा? बीमारी है, बीमारी को दूर करने में समय लग सकता है, लेकिन निष्ठापूर्वक हमारे विभाग के लोग संकल्पित हैं, और जो भाई इस काम को बेहतर ढंग से करेंगे, नौकरियां दी जाएंगी। हाँ, ये है कि कल परसों तरसों दी जाएंगी, यह तो सवाल करना शायद बेईमानी होगा, मैं जल्दी से जल्दी इस बात को करूंगा। प्रस्तावित है सर, 7वां चरण प्रस्तावित है सर, कब तक आने की संभावना है? बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी? शिक्षा विभाग के आप मंत्री बने, आपको बधाई, बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी? विधायक और मंत्री अपने बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएं? ये बात जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या MLAs, MP, मिनिस्टर्स सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करे, ये बात आप कह रहे हैं, अभी बोल लूँगा छुमंतर हो जाएगा, इस पर विचार करेंगे कैसे हो सकता है। आपको कि लगातार जो है, जैसे ही तमाम मंत्रियों ने अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाली है, यानी कि कुर्सी संभाली है, उसके बाद से लगातार तमाम जो मंत्री हैं वो एक्शन में आ गए हैं, अपने अपने विभागों में लगातार जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि बिहार में आने वाले वक्त में शिक्षा में जो है बड़े शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जाएंगे, और इसका सीधा असर जो है बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।